हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ये अभी का जो वीडियो है, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स है, उनकी करेंट एनर्जी है, उनका मूड इस वक्त कैसा है, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है डियर, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स जितना रेजोनेट करता उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब लोग देख सकते हैं, बट आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और जो आपसे रेजोनेट करता बाबू आप उसी को रखिए, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर कुछ चेंजेस आए हैं डियर, ठीक है। आप लोग का व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रहा है क्या डियर? कुछ लोग तो चैट कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, यहाँ ये नजर आ रही है। अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, आप लोग सब लोग हो डियर। आपके एक क्रश भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, हसबैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ डियर कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या फील कर रहे इस वक्त, क्या उनके दिल और दिमाग में आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं या निगेटिव चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ डियर, कुछ लोग व्यूवर्स मेरे जो है अपने पार्टनर से चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल जवाब है डियर, थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है, कंफ्यूजन को लेकर। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मन में कुछ ऐसे कुछ फील कर रहे हो, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब है, ठीक है, लेकिन आप पार्टनर से बात कर भी रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर है डियर, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं खुद को बदल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे आपके पार्टनर खुद को बदल रहा हूँ। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ डियर, इनके दिमाग में ये कुछ चल रहा है कि आपके साथ टेंपल जाऊं या फिर ट्रैवल करूं या फिर आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करूं, ऐसा उनके दिल और दिमाग में चल रहा है इस वक्त डियर, ठीक है। मैं एक बात कह देती हूँ, आपको डरने की बात नहीं है, आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है, आपको ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर कह रहे हैं, यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अगर आप डिवाइन सोलो डिवाइन के बच्चे हो तो आपको अपने ऊपर फेथ रखने की जरूरत है, आपका फेथ डगमगाना नहीं चाहिए, आप विश्वास रखिए खुद पर, जितना आप खुद पर विश्वास करेंगे उतनी जल्दी आपके लाइफ में सक्सेस आएंगे डियर, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच भी रहे आपको लेकर, मतलब इनके दिल और दिमाग में एक्शन को लेकर चल रहा है डियर, ठीक है। आप हो सकता है अगर कांटेक्ट में भी हो डियर या फिर नो कांटेक्ट में हो, सवाल तो दोनों तरफ चल रहा है कि क्या ये रिश्ता आगे जाकर अच्छा होगा, क्या आपके पार्टनर रियल में आपसे प्यार करते हैं या फिर पूरे लाइफ के लिए आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज करेंगे। तो बहुत सारे सवाल जब आपके लाइफ में करें, आपके दिल और दिमाग में चल रहा है डियर, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एक पार्टनर, ऐसे पार्टनर के रूप में जो आपको फ्यूचर तक पूरे लाइफ तक आपको सपोर्ट करे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर, मैं कह दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, और ये मुझे लग रहा है अर्थ साइन ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, ये बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ही स्ट्रांग। देखिए डियर, यहाँ आपके पार्टनर चुप रह, कुछ के पार्टनर बिल्कुल चुप है, चुप रहकर ही कुछ आपको कर दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है डियर, ठीक है।
वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल इस वक्त इसलिए कर रहे हैं कि चुप रह कर भी कुछ किया जा सकता है, दिखाने से शो करने से प्यार नहीं किया जा सकता है। ये आपके पार्टनर कह रहे हैं, चुप है, हो सकता है किसी के पार्टनर बिल्कुल चुप है, टेंशन ही नहीं ले पा रहे हैं कि छोड़ो ना, जो होगा सो देखा जाएगा, आज नहीं तो कल, वो तो आप दोनों एक दूसरे के ही होने वाले हो, ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आपके पार्टनर का नाम हो सकता है यू से, वाई से, आर और एक्स भी हो सकता है डियर, वी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन मैं देख रही हूँ आप बहुत पेशेंस रख रहे हो, ठीक है, आप बहुत सारा पेशेंस रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यही तो बात है कि आपका इसी पेशेंस का आपको आने वाले टाइम में रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है डियर, ठीक है। बस आपको अपने विश्वास को बढ़ाए रखना है, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत धैर्य रखा है, जिस दिन से मिले हैं आप उनको, ठीक है, उस दिन से आप काउंट भी करते हो, आपके पार्टनर भी सोचते हैं, जिस दिन आप मिले हो, जिस वक्त मिले हो, उस पल को याद करें आपको पार्टनर, किस वक्त कैसे आप दोनों एक दूसरे को देखे, कनेक्ट किए, अंदर से अट्रैक्शन हुआ, फीलिंग्स हुआ, डीप कनेक्शन फील किए, इस वक्त आपके पार्टनर वो सोच रहे हैं डियर। बहुत से व्यूवर्स के पार्टनर का प्यार का जैसे खुमार चल रहा है डियर, वो चाह रहे हैं एकदम से न्यू बिगनिंग, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ ट्रैवल करना, ऐसी एनर्जी आ रही है डियर। आपका दिल बहुत साफ है, बहुत प्योर, मतलब आप एकदम प्योर सोल हो, ठीक है। आप इस पर्सन को जब भी चाहे तब भी आप माफ कर देते हो, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि जो भी इन्होंने किया आपके साथ, या फिर एकदम से चुप हो गए, या फिर आपको चीट किया या धोखा दिया, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत ही दयालु हो, ठीक है। सिर्फ आपसे दो प्यार से बात करने से ना आप उनको माफ कर देते हो, तो ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कोमल हो, निर्मल हो, आप इन्हें माफ कर दोगे, ठीक है। लेकिन एक इंसान है, वो सोचता ही है कि उन्होंने गलती की है, तो आपको कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे आपको मनाए, कैसे आपको प्यार का इजहार किए करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ धोखा चीट किया है, ये तो दिख रहा है। आपने रिश्ते को बखूबी ढंग से निभाया है डियर, अब आप दर्द को लेट गो करना सीखिए, ठीक है। अब इतना दिमाग में लेकर आप मत बैठिए, क्योंकि थर्ड पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्या होगा, निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगी, थर्ड पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर के दिल और दिमाग, उनके लाइफ में प्रेशर है डियर, जहां से वो निकलना तो चाहते हैं बट निकल नहीं पाते, उसी में घूम घूम कर रह जा रहे हैं। इनके ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब आने शुरू होते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, इतना आसान नहीं है, सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर के बच्चे भी हो, एज गैप भी हो डियर, ठीक है, यहाँ ये भी दिख रहा है। लेकिन आप बहुत प्योर सोल हो, मुझे पता है कि आप बहुत अभी हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब आपको डिवाइन जिस तरह आपको हेल्प कर रहे हैं, शायद आप उनके पीछे कहीं ना कहीं ध्यान लगा रहे हो, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, आप ध्यान लगा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो आप डिवाइन के तरफ खुद को समर्पण करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, कुछ लोग तो सरेंडर कर चुके हो, ठीक है। अब आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ रहा है, मैं यहाँ देख रही हूँ, आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स भी थोड़ा थोड़ा कैच करते हो, अनुभव करने लगे हो, ठीक है। आप दिल से माफ इस पर्सन को कर सकते हो, ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप करोगे, आने वाले टाइम में आप करने वाले हो, मुझे यहाँ ये एनर्जी निकल कर आ रही है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने दर्द को लेट गो करना सीख लिया है, लाइफ में आगे बढ़ना सीख लिया है कि मेरा लाइफ जो है ना कुछ पर्पस के लिए है, और एंजल्स डिवाइन आपके साथ है, आपने जान लिया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्पस की ओर भी जान रहे हो। पार्टनर तो है दिल और दिमाग में, बट एक दिमाग में ये भी है कि मुझे कुछ करना है, कि लाइफ में सिर्फ प्यार नहीं, लाइफ में और कुछ भी पाना चाहिए। मेरे कुछ व्यूअर के साथ ये सब जुड़ चुका है और आप लोग आगे भी बढ़ रहे हो। अब आप अच्छा स्पीच दे सकते हो, ठीक है, आप किसी की ऐसी शब्द बातें या बैड बातें आप नहीं सुन पाते हो, ठीक है, आप चुप रहने लगे हो,
सही समय का भी इंतजार कर रहे हो बट आप अपने पार्टनर को नहीं बुला पा रहे हो, लेकिन ये पार्टनर जो है ये आपको कहीं ना कहीं खुलकर इजहार करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन एक कसम कस है डियर, ठीक है, कसम कस ये है कि आपकी तरफ आए या फिर देखिए बहुत सवाल जवाब है, थर्ड पार्टी को लेकर भी है, फिर आपको लेकर भी है, सोसाइटी को लेकर भी है, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर आप उनसे फाइट करोगे, आप क्या बोलोगे, तुम आए हो या आई हो तो कहीं ना कहीं मतलब से आई हो, तो आपके दिल और दिमाग में रहता है डियर कुछ फाइनेंस को लेकर, या फिर आपके पार्टनर को फाइनेंस की जरूरत है, या फिर कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये सब दिमाग में चलता है कि आप उनको ब्लेम करोगे या कुछ ऐसे बोल दोगे तो इनका दिल जो है ना पूरी तरह टूट जाएगा, हर्ट फील करेंगे ये। इस वक्त बिल्कुल ये आपके बारे में सोच रहे डियर, इनके दिमाग में ये चल रहा है, इनका मूड है कि एक्शन लू, कंफ्यूजन भी है, बट ये चाह रहे हैं आपको टेम्पल ले जाना, ट्रैवल करना, टाइम स्पेंड करना, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही है, लेकिन कंट्रोल कर रहा है, पेशेंस रख रहा है, लेकिन इस पर्सन को रहा नहीं जा रहा है। लेकिन देखिएगा डियर, एक से दो से तीन दिन में मुझे एनर्जी दिख रही है बहुत लोग की, मैं देख रही हूँ फिजिकल रीयूनियन होने वाली है, ठीक है, लेकिन मैं इस बीच ये भी देख रही हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में उतार चढ़ाव होंगे, गुस्सा आपका बढ़ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर या फिर आपकी मैरिज ठीक हुई है या फिर हो रही है, जहाँ पेरेंट्स आप लोग की बात कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर की भी बात चल रही है, जहाँ मन ही मन में आपको अंदर से एकदम से ज्वालामुखी फूटने वाला है या गुस्सा बढ़ने वाला है, या फिर एकांत में रहकर बहुत सारे सवाल जवाब यूनिवर्स से करने वाले हो और बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हो कि कुछ भी कीजिए यूनिवर्स, मिरेकल्स कीजिए और मेरे पार्टनर को मेरे लाइफ में दे दीजिए, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं जो प्यार अपने पार्टनर को दे रही हूँ या फिर दिया, मैं यहाँ कहीं भी इस प्यार को किसी के साथ बांट नहीं सकती हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है, जो आपके साथ जो प्यार शेयर करते हैं, आपके साथ जो फील करते हैं, वो किसी के साथ नहीं बांट सकते हैं और न ही वो किसी से इस तरह का प्यार इजहार कर सकते हैं। यहाँ ट्रू लव उनके लिए आप हो, आप उनकी लाइफ हो, ये कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी किसी के पार्टनर ईगो में है डियर, ठीक है, ईगो में क्यों है, ईगो में ये है चुप है कि खामोश है, इसलिए खामोश है कि मेरे कुछ भी उस लाइफ में आप आगे बहुत ग्रो कर गए हो, ठीक है, कुछ ना कुछ अपना कर रहे हो या स्टेबल हो गए या फिर जॉब कर रहे हो या फिर अपना कुछ शुरू किया या फिर यूट्यूब चैनल खोला, कुछ यहाँ ऐसी भी एनर्जी आ रही है जहाँ आप ग्रो कर रहे हो और आपके पार्टनर आपको स्पाइक बहुत करते हुए नजर आ रहे हैं, और डियर रोमांस उनको बहुत ज्यादा फील हो रहा है, आपके साथ वो पल बिताना है जो पास्ट में आपके साथ दोनों ने वो टाइम स्पेंड किया था, प्यार अनुभव किया था, ट्रैवल किया था, उसी पल को वो फील कर रहे हैं, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है डियर, बहुत मेरे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ रेजोनेट करने वाली है, तो अब कुछ लोग की तो बात हो रही है, व्हाट्सएप पे चैटिंग भी हो रही है, वीडियो कॉल भी हो रही है, मुलाकात होने वाली है और आप लोग को कहीं ना कहीं मिलने की बात भी हुई है, यहाँ ये एनर्जी निकल कर आ रही है डियर। दिन में भी आपके पार्टनर सपने देख रहे हैं डियर आपको लेकर, आपको विश्वास रखना है, ठीक है, अगर कुछ सच्चाई आती है, जैसे लग रहा है जैसे आप उनकी विश हो डियर, कुछ विश पूरी होने वाली है, आपके पार्टनर की ऐसी सोच है, ये कभी भी किसी समय आपके तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं डियर, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो रात में उठ उठ कर आपको स्पाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, यहाँ प्यार बढ़ रहा है, अनकंडीशनल लव बढ़ रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ रहा है, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, पेशेंस इनका खोता जा रहा है, ये कभी भी किसी समय आपकी तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप एक डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, डिवाइन एंजल्स आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स एंजल्स आपको आपके स्पिरिट गाइड हेल्प कर रहे हैं, तो उन पर आप फोकस रहिएगा कि आपको क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है, इस पर आपको फोकस रहना है। मुझे लग रहा है मेरे बहुत व्यूअर्स को कोई भी बहुत कुछ ज्यादा दिख रहा है, जैसे एनिमल्स में हुआ, आपकी स्पिरिट गाइड जो है, या फिर बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं, अलग अलग के अलग अलग रूप के पक्षी दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है अचानक से बहुत ज्यादा बिल्ली आपको दिखाई दे रहा है या फिर डॉग दिखाई दे रहा है, होता है ना डियर, कैट बिल्ली बहुत ज्यादा दिखाई देना, तो वो सब कुछ संकेत देता है जिसको आपको फोकस रहना, आपके स्पिरिट गाइड आपको किसी ना किसी बहाने से आपको और अंदर से मतलब स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये सब आप हमेशा गाइड कीजिएगा।
हो सकता है आपको मधुमक्खी दिखे, बिल्ली, कुत्ता भी दिख सकता है डियर, हनी भी जिसे मधुमक्खी कहते हैं वो भी दिख सकते हैं, बटरफ्लाई भी दिख सकते हैं, फिर नंबर्स आपको इंचेस नंबर्स बहुत सारे दिख रहे हैं। तो हर चीज को आपको फॉलो करना है, हर के पीछे कोई ना कोई आपको इनवर्स आपके सवालों का जवाब दे रहा है, उस पर आप फोकस कीजिएगा। तो ये इनके दिल और दिमाग में चल रहा है डियर आपके पार्टनर का, ठीक है। देखती हूँ क्या आ रहा है। चलिए सक्सेस आ रहा है डियर, देखा आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, रोमांस आ रहा है, ठीक है। देखिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, शायद आप दिल से माफ नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को भी कोसते हो कि आपके साथ उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो आप दिल से कहीं ना कहीं माफ नहीं कर पा रहे हो डियर, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, आपको माफ करने की जरूरत है, और यहाँ पे आया है आपको जो भी साइन मिल रहा है यूनिवर्स इंजस गॉड के तरफ से, एंसेस्टर के तरफ से, स्पिरिट गाइड के तरफ से, डिवाइन के तरफ से, तो आपको उस लुक पर, उस साइन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है डियर। देखा मैंने क्या बोला, साइन पर फोकस करना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि एंजल्स बोल रहे हैं कि जो भी साइन मिलता आप उन पर फोकस करें। यहाँ पे फॉरगिवनेस करने की जरूरत है बाबू, ठीक है। यहाँ सक्सेस आ रहा है आपके लव लाइफ में भी आ रहा है, रोमांस भी आ रहा है, कहा ना यहाँ रोमांस बहुत दिख रहा है, बस ये प्लानिंग कर रहा है आपके पार्टनर की कैसे कब कहाँ मिलूं, कैसे एक्शन लूं, जबकि आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है, आपने मतलब सारी खुशियां सारी दुनिया ही लुटा दी इस रिश्ते में, तो इनको अनुभव तो होगा ही ना डियर। तो यहाँ आपने जो दिया है उसी का रिजल्ट मिलने वाला है डियर, रोमांस आ रहा है इस रिश्ते में, सक्सेस आ रहा है। थोड़ा सा मेरे कुछ भी वर्ष स्टक है, आपको मतलब बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने दिल दुखाया है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उस बात को कोसते हो और आपको दर्द पेन होता है, जिससे आप दिल से माफ नहीं कर पा रहे हो। ये नहीं माफ कर पाओगे तो यहाँ कैसे शुरू होगी, आपको साइन पर फोकस करना है। देखिए साइन पर आपको फोकस करना, मैंने बोला भी कि जो साइन मिल रहा है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपको विश्वास करने की जरूरत है, देखिए कार्ड भी वैसे ही निकलता जा रहा है, आपको विश्वास करने की जरूरत है बाबू, ठीक है। इस रिश्ते में विश्वास करने की जरूरत है और आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, विश्वास करकर डिवाइन को सरेंडर करकर लाइफ में आगे बढ़ना है, जो भी सिचुएशन है आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है आपके पार्टनर की, और आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और डिवाइन की भी ब्लेसिंग है और आपके लिए भी गाइडेंस है। तो वीडियो कैसी लगी बाबू, वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।